नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडियन सिटीजन टीवी। चक्रवर्ती तूफान के कारण पालघर, मुंबई, थाने और रायगढ़ जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते मीरा भाईंदर में जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। मीरा भाईंदर की आधी से ज्यादा सोसाइटियों के अंदर पानी भर गया है और इसी के साथ ही जो हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं के कारण कई पेड़ जो है रस्तों पर गिर गए हैं, जिसके कारण भी लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हम दूसरी बात करें तो सोसाइटियों के ऊपर जो छपरा लगा होता है वो भी इन हवाओं के कारण उड़ गए हैं और वो रस्तों पर आकर गिर गए हैं, जिसके कारण भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इससे अभी तक किसी के दुर्घटनाग्रस्त होने की कोई खबर नहीं आई है। जिस तरह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है और सोसाइटियों में पानी भरा हुआ है, उससे एक बात तो पता चलती है कि मनपा के अधिकारी और जो नेता हैं, उन्होंने जो पैसा गटर रिपेयर के नाम पे खर्च किया है वो पैसा कहाँ जाता है। अभी तो बारिश का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है, चक्रवर्ती तूफान ने उन नेताओं और मनपा के अधिकारियों की पोल खोल दी है कि उन्होंने किस तरह से कार्य किया है। अगर बारिश का मौसम शुरू हो जाता है तो मीरा भाईंदर की क्या परिस्थिति होगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मीरा भाईंदर पानी के नीचे नजर आएगा। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे।